ये वीडियो एक रियलिटी चेक है उन सारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीन चीजें आपको अपने आप से पूछनी है। सबसे पहले, अगर आपको गेट एग्जाम इसलिए लिखना है ताकि आपको पीएसयू जाना है या आईआईटीज में जाना है, रिसर्च करना है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करने हैं, आप कर सकते हो, बट आपका रैंक अंडर 100 होना चाहिए फॉर दी जनरल कैटेगरी, तो सारे दरवाजे ओपन है। जितना आप रैंक से दूर भागते हो, रैंक अंडर 500 तो कम दरवाजे ओपन, रैंक अंडर 1000 तो और कम दरवाजे ओपन। ये दरवाजे यानी आपको जो चाहिए, आपको आईआईटी के अंदर स्पेसिफिक ये ब्रांच चाहिए, वो लाने के लिए, वो पाने के लिए आपको एआईआर अंडर 100 लाना पड़ेगा। अब सवाल आपको ये पूछना है, क्या सारे लोग लेकर आ सकते हैं? नहीं, देर आर टू स्टूडेंट्स, वन इज एवरेज स्टूडेंट, अदर इज स्मार्ट स्टूडेंट। अब 3 से 4 महीने बच गए हैं गेट एग्जाम के लिए। एवरेज स्टूडेंट अगर नए से गेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या आपको लगता है कि वो एआईआर अंडर 100 ला पाएगा? कोई टीचर कहेंगे, अरे हम आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं, ये कर लो, वो कर लो, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, हमारा ये कर लो, हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। ऐसा नहीं होगा, रियलिटी चेक। अगर एवरेज स्टूडेंट पहली बार गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 साल का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं, अपने आप को लेवल अप करना है हर दिन एडवांस लेवल, तो वो टाइम लगता है, ऐसे ओवरनाइट नहीं होता। हाँ, बट अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, इस वाले कैटेगरी में हो कि आप अच्छे एनआईटी से हो या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स डे 1 से अच्छे थे, जब से आप इंजीनियरिंग में आए हो आपने ठान लिया था हायर स्टडीज करना है या गेट का आपको मालूम था तो आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, तो फिर आपके लिए ये 3 से 4 महीने भी इनफ है। आप बस रिविजन करो कॉन्सेप्ट्स के, आप शॉर्ट नोट्स बना लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज देने लग जाओ और अपने आप को इटरेशन में इंप्रूव करते रहो, जो जो वीक एरियाज है उस पर पढ़ाई करो, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो वीक एरियाज है पढ़ाई करो, ऐसे आगे बढ़ते रहो, हो जाएगा। बट ये चीज आपको पता होनी चाहिए और उसका आंसर आप ही को पता है, आप एवरेज स्टूडेंट हो या स्मार्ट स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट, आपको एक फ्लो मेंटेन करना है। आप सारे के सारे गेट एस्पिरेंट कुछ ना कुछ ब्लॉक में फंसे पड़े हो, जैसे सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन, बहुत सारे यहां पर ही अटके हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉक है रिविजन। अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर हम यहां पर अटके हैं, रिविजन जो हमने मार्च में पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा है, जो अप्रैल में पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ब्लॉक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, नेक्स्ट ब्लॉक है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और लास्ट ब्लॉक है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अब आप ट्राई करना कि नवंबर के एंड आते आते तक आपके पहले 3 ब्लॉक क्लियर हो जाए, सिलेबस कंप्लीशन, रिविजन, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप बढ़िया रैंक लाना चाहते हो तो। अगर आपको लगता है सर मैं नहीं कर पाऊंगा, गो फॉर दी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2024। हाँ, बट 2023 में जितना पढ़ा है उससे आप एग्जाम दे करके एक्सपीरियंस ले लो कि मैं कौन कौन सी गलतियां कर रहा था एग्जाम में जो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ठीक है। अब नवंबर के एंड तक ये 3 ब्लॉक क्लियर करो, दिसंबर के महीने में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो। जैसी टेस्ट सीरीज दोगे वीक एरिया पॉपअप होगा, जैसे वीक एरिया पता चला जाओ कंप्लीट नोट्स में रिवाइज करो, नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर्स देखो, और फिर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, और फिर वापस से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दो, वापस से ये लूप फॉलो करो। ये दिसंबर तक आपको करना है और जैसी जनवरी आ जाएगा आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है, ठीक है, ये बात क्लियर। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट जो आपने आपसे पूछना है, दैट इज क्या सारे के सारे गेट एस्पिरेंट एआईआर अंडर 100 लेकर आ सकते हैं? भले कितने भी क्रीम स्टूडेंट्स क्यों ना हो, भले कितने ही कोर्सेज से वो क्यों ना पढ़ ले, भले कितने ही घंटे वो क्यों ना डेडिकेटेडली पढ़ाई कर ले, क्या सभी लोग अंडर 100 ला सकते हैं? सर मैथमेटिक्स तो कहता है नहीं, 10,000 बच्चे भी लिखे तो 100 लाने के लिए 100 बच्चे ही रहेंगे, लाख स्टूडेंट भी लिखे तो 100 के अंदर लाने के लिए 100 बच्चे ही रहेंगे। वैसे ही ये जीरो सम गेम है, किसी को तो हारना पड़ेगा ताकि कोई जीतेगा। अब जो हारेगा वो क्यों हार रहा है ये समझो, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी जो है हारने की वो कम हो जाए। लोग हारते इसलिए है क्योंकि वो 3 चीजें कॉमन मिस्टेक्स है, हर साल करते हो, आपको इससे बचना है। सबसे पहले ओवरथिंकिंग, रिजल्ट के बारे में इतना सोचते हैं कि फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, रिजल्ट के बारे में इतना सोचते कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, अब तो पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा सर, इतना डिमोटिवेट हो गया है अब तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि सर अगर मुझे वो आईआईटी नहीं मिला तो, वही पीएसयू नौकरी नहीं मिली तो, सर अगर इस समय नहीं मिला तो, यही अटेम्प्ट में नहीं मिला तो, फिर घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, कहीं वो भाग तो नहीं जाएगी। इससे बचो यार, इससे बचो, डोंट ओवरथिंक, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि यही चीज आपको रिजल्ट देगी। रिजल्ट को सोच करके आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात, बैड ग्रुप से आप निकल जाओ, अपने आप को कट ऑफ कर दो। बैड ग्रुप क्या है? पढ़ाई के वक्त कहेंगे आज हम मूवी देखने जाते हैं, पढ़ाई के वक्त कहेंगे अरे चल ना पिकनिक जाते हैं, अरे सैटरडे संडे हमारे साथ टहलने आ जा, अरे यार तू गरबा नहीं खेल रहा है, नवरात्रि का सीजन है, ऐसे आपको कुछ ना कुछ भटकाने की कोशिश करेंगे। आपका रास्ता है कि यार 3 से 4 महीने है अभी तो पढ़ने दो, वो बार बार आपको कहेंगे व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप्स में कॉल करके आ जा,
फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम दिस ग्रुप, कहना उनको कि हम बाद में मिलेंगे 3 से 4 महीने के बाद, बट अभी पढ़ाई कर रहे हैं। और फाइनल पॉइंट है अवॉइड एडिक्शंस, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन चैटिंग, एडल्ट फिल्म्स, एडल्ट फोटोज में इंडल्ज होना, रील्स को देखना, इससे बचिए। ये लास्ट के 3 से 4 महीने बड़े क्रूशियल है, अगर ये हाथ से निकल गए उम्र भी निकलेगी और 365 डेज और प्रिपरेशन करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। डिसाइड आपको करना है, मेरा काम था आप तक चेतावनी पहुंचाना और सारे पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं। अब सवाल करो, आंसर्स कमेंट करके बताना, आप कौन से ब्लॉक में फंसे पड़े हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो या आप स्मार्ट स्टूडेंट हो, और क्या आप ये कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू।